तुमको जहा जहा पचारे सबकि ठीक ठीक उत्तर दब ए सागर देश में मिथ्या कहार शास्ति केवल गोटे मृत्यु आमे मिछ कहिबुनी महाराणी आपण जहा जहा जानिबा को चाहिबे सब कहिबु आमे किए तू कौन तोर संपूर्ण परिचय को देशरु आसीचु तू मो राणी पद्मावती झी पायल महाराजा महेंद्र मो पिता सूर्य नगर रु एठिके आसीचि आ तमे मो राघवेंद्र सूर्यनगर सेनापति तेब प्रबल द्वीप सूर्यनगर को फेरी न जाए इस सागर देश को कहीं तुमने साथी हे ये मृत्युर गहर को कहीं आसल कौन उद्देश्य तुम सागर राज्य को खोजापी तो आम बाहरी किंतु मत्स्य कन्या मानी सेनापति महाशय को भूले प्रबल द्वीप को नहीं गले तेणु आमर से मझी समय बहुत नष्ट इस सागर देश को खोजापी बाहरी तुम किंतु कहीं कौन चाहू तम मैंने मो हजी जा भाई को फेरे नवा आपण गलार से सामुकाहार रे जो चंपा फुलटा रही से प्रकृत रे मो चंपा भाई जन्म परे राणी मणि मल्लिकांको परामर्श रे आपणंकर एई भौणी माया तांकु एई सागर राज्य रे पोती रखिथिले चंपा फूल हे फुटी छंती मो भाई तेणु मु आसीछि मो चंपा भाई को उद्धार करी फेरे नबाकु कोन तमनको साहस तो कम नुह महाराणी सुनंतु मोर सब कथा मरिबो तमे तमे दि जणा मरिबो पृथ्वीर कौनसी भी शक्ति तम दि जणा को मो हातरु बंचेई पारिबनी तम दि जणा को पोड़ी की पाउस करि देबी मु कोन करिबा एबे आमो हात पाद छे बंधा निजको रक्षा करने पर चेष्टा करने को सामर्थ्य भी नहीं आमर ना ना इटा है परिवनी इटा अत्यंत अन्याय अत्यंत अन्याय खराब मनुष्य नुहंती दीदी मो मुक्तार प्राण फेरे दीदी तो झील मो बेकर हार को स्पर्श करिवार साहस देखी तापरे भी मु ताको क्षमा कर किंतु ए दी जन को मु जले जले मारबी खबरदार खबरदार तू मझी को आसीबा को जम्मा भी चेष्टा करिबुनी तू मने रख भौणी बोली मु तते केबे क्षमा करिबिनी ए दी जन को मरण आजी मो हाथ रे
ना दीदी मो कथा थरे मात्र सुनो सेमाने सेमाने तो जानते नी ए चंपा फुलर स्पर्श रे तमे तमे तमरो अंध चक्षु रे दृष्टि फेरी पाइछो आ ए चंपा फुल तम पाखरु चली गले पोणी तमे अंधुणी हेइ जिवो दीदी दीदी तमे सेमानको क्षमा करि दियो मो कथाटा सुनो थरे मात्र सेमानको क्षमा करि दियो शंखमाला तु कहा पई क्षमा मागुछु अजणा अचिन्हा ए मणिस मानको पई मु तो आचरण देखि आश्चर्य हेइ जाउछि अजणा अचिन्हा ना दीदी सेमानको सहित जे मोर प्राणर संपर्क सेमाने सेमाने जे मोर प्राणर प्रिय मुक्तार प्राण फेरे दैछंती बंचे दैछंती ताकु आउ पायल पायल तो मोर निजर लोक मते भलो पाउथिबा मणिस राजा महेंद्र तार पिता एक कथा मु अस्वीकार करि परिबे केमिति दीदी रानी पद्मावती को संतान को जन्म होबा परे माटी तळे पोती देई मु जो पाप करथिली मु आउ से पाप को बढेबा को चाहुनी दीदी मु कोनोसी पाप करबा को चाहुनी सेमन को तमे क्षमा कर दे दीदी क्षमा कर दियो ई को रानी माया यांकु तो रानी मणि मल्लिका को भली मु चक्रांत करि भाबिथिली वे तो सही समय रे रानी माया कोनोसी परिस्थितिर शिकार हेथिले सुन शंखमाला पाप पुण्य मु किछि भी जानिनी से सब मनीष पृथ्वीर कथा मु केवल एतिकि जानिछि जे सागर देशरे अनधिकार प्रवेशकारीकर शास्ति मृत्यु 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 जणकु मु एई मुहूर्त रे शेष करि दे पारिबी किंतु मु ताहा करिबिनी बरम तम दि जणकु मु जळेई मारिबी जेमिति तम दि जणकु देखि सब जानि पारिबे जे सागर रानी रा सामुक आहार को नजर पकेले तार कि भली भयंकर परिणति हेई पारे तम शरीर रो सब रक्त शोषि नै सेई शरीर को बड बड कुंभीर मानक आगरे पकेई देबी आउ नहले शरीर रो सब मांस को टिकी टिकी करी काटी मांस खिया माछ मान को खुआई देबी शरीर रे मांस हाडर ना गंध भी रहिबनी तेबे जाई मु शांति पाइबी ई रानी हातर बंचिबार आउ कोनोसी उपाय नाही केवल मात्र जदी जदी मु संपूर्ण भाबे भलो करि देई पारे ताहले निश्चय आपण हमको मुक्ति दे देबे सी चंपा फूल छडा आपण आगो भली देखि परिबे स्वाभाविक हे जीव आपणकर दृष्टि शक्ति तू सत कथा कहुछु ना केवल विभ्रांत करबा पई मते तू ना ना दीदी से चितबेले कहुछि थरे मात्र सुजोग दे देखो ना ता पखरे निश्चय किछु उपाय अछि मुक्ता को तो से बंचै थिला से ना ता कथा तो मोर भी बहुत विश्वास होछि किंतु सतरे कोन से मोर स्वाभाविक दृष्टि फेरै दे परिबो पायल स्वर्ण केशर नाल द्वारा बर मागार एटा किंतु शेष सुजोग तृतीय इच्छा पूर्ण हेले से नाल आउ किछे कामरे लागिबनी ताहा हौ सेनापति महाशय जणे दृष्टिहीन को दृष्टि फेरै दबा पुण्यर काम आउ आमे जदि से काम करि परिबा ताहाले ईश्वरंक आशीर्वाद आमो उपरे रहिबो सेतेबेले देखिबो अन्य सब विपद को आमे ठीक रूपरे पार हेजिबा ता छड़ा महाराणी उर्मी मालांकर स्वाभाविक दृष्टि शक्ति फेरी न आसीबा पर्यंत आ
आमे तांको पाखरु चंपा भाई को नै जाई पारिबानी जेते सुजोग आसु निजर स्वार्थ पाई एमिति अन्याय काम करि पारिबिनी सेनापति महाशय जीवनर शेष सुजोग देखाओ तुम कारनामा मोर दृष्टि शक्ति फेरे दियो मोर तृतीय इच्छा हैला रानी उर्मी माला आगो भली तांको दृष्टि शक्ति फेरी पांतु कोनोसी औषध कोनोसी चिकित्सा छड़ा तांको आखिर स्वाभाविक ज्योति फेरी आसु हाथ तळकु करंतु महाराणी एबे आस्ते आस्ते देखंतु आपण भलो हे जाई छंती महाराणी आपणको स्वाभाविक दृष्टि शक्ति फेरी आसीची एमिति दृष्टि शक्ति तो मोर आगरो भी थिला महाराणी पायल मिछ कहते से चंपा फुलर हार को काढ़ देखु जापर शखमाला दीदी सामुका हार जमी कौन प्रकार हाथ छड़ा न हुए एम कथा मु तिले मात्र विश्वास कर पारुनी जा दूर हो जा सेनापति महाशय एमिति तो हबा कथा नुह ताहले कोनो नालो काम कलानी बांधे दियो एमानुको जेमिति केहे भी जाई न परिबे आज मु एमानुको तम मानक मु भूल बुझी
मते क्षमा कर दियो। तमने मोठर कौन पुरस्कार चाहुचो? सुना गहना मणि मुक्ता आम सागर देशर अतुल ऐश्वर्य तमनको मु सब किछि दबा को चाहुची। तमे कह तमनकर जहा इच्छा ताहा मते मागी पारो। सुना गहना मणि मुक्ता किछि आमर दरकार नहीं महाराणी, केवल आपणक गळार से सामुका हाररु जो चंपा फुलटी रहिछि सेही देखिबो। से चंपा फुलको रुह, तुमको ये चंपा फुलर असल रूप मु देखौछि। रुह शंखमाला दे। चंपा फूल को तो तू पाई परिबुनी। पाई बिनी मो भाई को मो फेरी पाई बिनी। यहाँ अपन को केमिति का विचार महाराणी। महाराणी मु अपन को पाखरे हाथ जोड़ी प्रार्थना करुची, दया करि ए चंपा फूल पायल को दे दियंतु। आपण आपण को दृष्टि शक्ति फेरी पाइचंती, से फूल आ आपण को किछि कामर लागिबनी, किंतु पायल को पाखु को तांको भाई फेरी आसीबो। दया करंतु महाराणी, दया करि फूलटा दे दियंतु। फूल मु दे दे पारे, किंतु सेथि पाई मोर गोटे शर्त अछि। महाराणी कुहंतु कौन करिबा को हबो? मते सागर देश को आसी मो भाई प्रबाल किरण रो कथा तमने निश्चय सुनिथिबो। सी तो ए देशर राजपुत्र मो मांकर सानो भाई उर्मिमाला शंखमाला सबुठारो सानो से प्रबाल किरण। छोटो बेलु ता मन सबु बेले दुख, से केबे भी हसेनी। ता मुहरे जदि तमने हस फुटे दे पारिबो ताहले ए चंपा फूल तमको मु देबी। एहा केमिति संभव? स्वर्ण केसरी नालो पाखरु तो बर चाहिबा सरी जाइछि, अन्य किछि जादू भी जानिनि मु। एते काल धरि एते चेष्टा करी देश देशांतर रु हाकिम कबिराज सेमने जेते बेले पारिलेनि, ताहा पुणि मु केमिति करबी? मते ठारु नै चल पाइल भूणी। केमिति भाबे सागर रानी भाई प्रबाल किरण मुहरे हस फुटेबी मु।